बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसी का यह लास्ट लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल या हुंस ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके हम स्टेटमेंट को समझेंगे, इसके हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहां पर हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में यह बात किए थे जो हम लोग ऑफ बॉव प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ रहे थे। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमारे पास एक एटम है तो उसमें जो सबसेल होगा उसके इलेक्ट्रॉन उसके सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते चले जाते हैं। ठीक है, यह बात हम जानते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कार्बन एटम को उठा रहे थे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बन रहे थे कि तीन प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में भर सकते थे। तो वहां पर जो यह प्रॉब्लम उठी थी उसी को ही हुंस ने अपने मल्टीप्लिसिटी रूल में सॉल्व किया था। हम लोगों ने देखा था, वैसे यहां पर मैं एक बारी करके समझा देता हूं। देखो, हम जानते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वह छह होता है। यहां पर मिलता है 1s2, यहां पर होता है 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की भरने की बारी आई पी ऑर्बिटल में तो तीन प्रकार से भरने के चांसेस बन गए। कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आया कि ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर चला गया, यानी कि दोनों ही सेम स्पिन के बन गए। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कि अलग अलग ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन गए लेकिन डिफरेंट स्पिन के बन गए। ठीक है, तो यहां पर बात उठी कि अब इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है, कोई एक ही तो ट्रू हो सकता है। तो इसी के बारे में हुंस ने अपने मल्टीप्लिसिटी रूल में एक्सप्लेन किया। हुंस गिव अ रूल टू फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल ऑफ एटम। क्या कहता है कि हुंस ने एक नया रूल दिया जो कि किसी भी एटम के सबसेल के ऑर्बिटल्स में जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इसी के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल ऑफ सबसेल इज नॉट पॉसिबल अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन सबसेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन। यहां पर रुक जाओ पहले, अब यहां पर समझो, इस बात को पहले समझ लेते हैं। कहते हैं हुंड ने कहा कि अगर हमारे पास किसी भी सबसेल के, ठीक है, कोई भी जो हमारे पास ऑर्बिटल है, जैसे ये पी सबसेल है तो इस पी सबसेल के तीन ऑर्बिटल्स हैं px, pz, py। ठीक है, तो जो हमारे पास इनमें इलेक्ट्रॉन का भरना होगा वो तब तक भरते चले जाएंगे जब तक कि सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में भर नहीं जाते। यही बात यहां पर बोली जा रही है और साथ ही साथ चीजों को मैंने मेंशन कर दिया, एज वेल एज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैव यहां पर सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहां पर मैंने मिस कर दिया है, यहां पर रहेगा सेम। ठीक है, सेम को मिस मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहते हैं हुंड ने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे ये हमारे पास पी सबसेल है तो पी सबसेल के तीन ऑर्बिटल्स बने, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो जब भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक एक ऑर्बिटल में भरते चले जाएंगे। यानी कि ये पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ये पॉसिबिलिटी हमारा नहीं बन सकता। एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पहले नहीं भरे जाएंगे, वो पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी कि ये पॉसिबिलिटी या ये पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि जो हमारा सबसेल है या ऑर्बिटल जो है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल पर रहना चाहता है, इसलिए जो उनका स्पिन होगा वो भी सेम ही होता है, वो अपोजिट स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन को नहीं कंटेन करता है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी उन्होंने कहा कि गलत होगा, यही करेक्ट होगा, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में पहले भरे जाएंगे वो भी समान स्पिन के, फिर उसके बाद जब ये पूरा भर जाएगा, जैसे यहां पर तीसरा भी ऑर्बिटल हमारा भर गया एक इलेक्ट्रॉन से सेम स्पिन से, तब उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके पहले वाले ऑर्बिटल में जाएगा, वो भी डिफरेंट स्पिन से, यानी कि अपोजिट स्पिन से। ये बात हुंस ने अपने मल्टीप्लिसिटी रूल में बताया है। ठीक है, तो अब इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम n+l रूल पर बढ़ेंगे।
तो ये हमने समझा कि हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है। अब इसी को ही हम दूसरे शब्दों में भी समझ लेते हैं। तो हुंस ने दूसरे शब्दों में इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि जब हमारे पास सेम एनर्जी लेवल के सेम ऑर्बिटल्स हमारे पास रहेंगे, सेम एनर्जी लेवल के हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो सभी के सभी सेम स्पिन के होंगे, या तो वो दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे रोटेशन, या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यह तब तक प्रोसेस चलता जाएगा जब तक हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे। ओके, कहने का क्या मतलब है इसी को मैं फिर से थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखो, हमारे पास जो हुंस ने कहा वो उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। हम ये पी सबसेल ले रहे हैं, ठीक है। पी सबसेल के हमारे पास ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है। तीनों के तीनों जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं ये लगभग समान ऊर्जा के ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये हमारे पास समान ऊर्जा के जो हमारे पास ऑर्बिटल्स मिले हैं, तो इनमें बोला जाता है, हुंस ने कहा कि सबसे पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिटल में तब तक भरे जाएंगे जब तक कि एक भी वैकेंट ऑर्बिटल बचा है। जब वैकेंट ऑर्बिटल हमारे खत्म हो जाएंगे, अब देखो तीनों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का हमने भर दिया, तो अब जब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा है तब इनका पेयरिंग शुरू होगा। ये हुंस ने कहा था, इसके बाद ही इनका पेयरिंग होगा, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर देखो सेम स्पिन के हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले भरा, फिर सेम स्पिन के हमने अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को भरा, ठीक है। ओके, और यहां पर इस बात का भी ख्याल रखना, यहां पर ये केवल नोटेशंस हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज हो, ये क्लॉकवाइज हो, ठीक है। बस लेकिन हम आगे चलकर जब इसे पढ़ते हैं तो हम बस ऐसे कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इट इज डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे समझते हैं। ओके, तो इन चीजों का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ चीजों पर बात करेंगे, उसके बाद हम एन प्लस एल रूल पर बढ़ेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल जो हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कार्बन 6 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो कैसे होगा, 1s2 2s2 और 2p2 जो हमारे पास हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे ये बात हम समझ चुके हैं। यहां पर अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए। कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ ही चुके हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, बस एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देना सेम स्पिन के, ठीक है। और इसका क्वांटम नंबर आप लोग लिख ही लेंगे, n इज इक्वल टू 2, p के लिए l का वैल्यू 1 हो जाएगा, और हमारे पास m का वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट ही कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास s का वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा, ठीक है। फिर ऐसे जितने भी एटम्स हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आएंगे, चलो मैं समझा दे देता हूँ एक और करके। चलो हमारे पास आ गया अब नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7, तो 7 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p हमारे पास आ जाएगा कितना, 3, ठीक है। तो अब यहां पर जब 3 आएगा तो इसका जो हमारे पास p सबसेल या p के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो पहले सेम स्पिन के सभी ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका पेयरिंग होगा, यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस प्रकार भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर जाएगा। पहले समान स्पिन के इलेक्ट्रॉनों को हर एक ऑर्बिटल में भर देना है, जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचेगा उसके बाद हमारे पास अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉनों को भरना है, लेकिन हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसलिए हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी भर चुके थे, तो ये हमारे पास आ गया 4th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा ही आप जब सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो आपके पास आएगा एक पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का हो जाएगा उसमें 8 जुड़ जाएगा, 19 बन जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो होगा 19। तो अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम करते हैं, सॉरी ये एटॉमिक नंबर है 19, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, ठीक है, और फिर 2p6 हो जाएगा, 6, 4, 10 और हमारे पास आ जाएगा 3s2 और फिर हमारे पास आएगा 3p, कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18 और यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 4s1 नॉट 3d1। तो अब इस बात को समझो, देखो यहाँ पर जो हमने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 3p के बाद हमारे पास आना चाहिए क्या, 3d आना चाहिए, लेकिन हमारे पास आ रहा है 4s में इलेक्ट्रॉन, और यह एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि हमारे पास 4s में हमारा पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है जबकि 3d में जाना चाहिए, क्योंकि आप वो प्रिंसिपल तो यही कहता ना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में भरा जाएगा जिसका जो हमारे पास सबसेल का जो एनर्जी लेवल होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में भरा जाएगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, ठीक है। तो अब यहां पर सवाल ये उठा
कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तो थ्री सेल जो तीसरा सेल है उसका तो सब सेल में हमारे पास सबसे कम ही एनर्जी लेवल होगा ना, फोर सेल की तुलना में। तो जो हमारे पास फोर सेल है वह थ्री सेल की तुलना में कम एनर्जी लेवल कैसे रख लिया, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन यन प्लस यल रूल से मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे, जब यहां पर आप पोटेशियम के बाद के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं उनमें ऐसे ही बदलाव देखने को मिलता है। तो यहां से यह बात पता चली कि जरूरी नहीं है कि अगर हम सेल की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो उनका जो सबसेल होगा उनका एनर्जी लेवल पहले वाले सेल की तुलना में अधिक ही हो, थोड़ा कम भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 3D का जो सबसेल का 3D हमारा जो सबसेल है या D जो सबसेल है उसका जो एनर्जी लेवल है वह 4S की तुलना में ज्यादा हो रहा है, तभी तो इसमें नहीं गया इसमें चला आया। तो इसी के बारे में यहां पर एक और प्रॉब्लम अराइज हुआ, 10 क्या हुआ, एक प्रॉब्लम अराइज हुआ, 10 प्रॉब्लम अराइज। आई थिंक हमने पिछले वाले वीडियो में प्रॉब्लम का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, ठीक है, तो वो जल्दीबाजी में थोड़ा हो जाता है, तो आप लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हुआ। अब ये जो प्रॉब्लम अराइज हुआ इसका जो सोल्यूशन दिया वो एन प्लस यल रूल द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो अब एन प्लस यल रूल क्या है इसी को भी हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं, लेकिन वो एन प्लस यल रूल आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना तक ही पढ़ना है, लेकिन मैं आप सभी को एन प्लस यल रूल भी समझाऊंगा। तो अब जो पोटेशियम में हमें प्रॉब्लम मिली थी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वहाँ का सोल्यूशन इस एन प्लस यल रूल द्वारा दिया गया। यह बताया गया, इसमें क्या बताया गया, ध्यान से सुन लो, बहुत ही आसान सा रूल है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, कि कोई भी नया इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले प्रवेश करेगा जिसका एन प्लस यल का वैल्यू सबसे कम होगा। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स या सबसेल्स के लिए जो हमारे एन प्लस यल का वैल्यू होगा वो समान हो जाएगा तो उस सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन हमारा प्रवेश करेगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर सेल नंबर मिनिमम होगा या कम होगा, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया, आप लोग समझ सकते हैं, मैं चीज़ों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दो ऑर्बिटल उठा लेते हैं, अभी हमने देखा था एक 3D और 4S हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, तो हम पहले उठा लेते हैं कि 3D फॉर 3D लिखो यहाँ पर। ठीक है, इसे मैं इरेज करूँ, यहाँ पर लिखो फॉर 3D और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं फॉर 4S। हम पहले जान लेते हैं कि 3D में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा या 4S में हमारा पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, N और L का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो N इज इक्वल टू हमारे पास है 3 और यहाँ पर अगर हम N का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो N का वैल्यू हमारे पास है 4। ओके, D हमारे पास है तो D के लिए L का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और S के लिए हमारे L का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि S के लिए हमारे L का वैल्यू 0 होता है और अगर हम P की बात करते हैं तो 1 होता है, D की बात करते हैं तो हमारे पास होता है 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है एन प्लस यल का वैल्यू। तो एन प्लस यल इज इक्वल टू हमारे पास होगा 3 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है n प्लस यल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 + 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या बात पता चल रही है कि हमारे पास जो 3D का n प्लस यल का वैल्यू है वो है 5, 4S का जो हमारे n प्लस यल का वैल्यू है वो है 4। तो इसलिए जो 4 होता है वह 5 से छोटा होता है, इसलिए जो हमारा नया इलेक्ट्रॉन आता है वो 3D सबसेल में ना जाकर 4S सबसेल में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए पोटेशियम का जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसमें 3D1 ना लिखकर 4S1 हमने लिखा था। आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया था, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा उसे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे सो न्यू इलेक्ट्रॉन ठीक है न्यू इलेक्ट्रॉन यहां पर हम क्या लिखें, नया जो इलेक्ट्रॉन है वो 4S ऑर्बिटल में प्रवेश किया है नॉट 3D। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, हाँ चलो ये लिखते हैं न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4S ऑर्बिटल या 4S सबसेल लिख लीजिए। ठीक है, 4S सबसेल नॉट इन 3D। ठीक है, ये तो हमारे पास पहला केस, एक जनरल सा हमने उठाया था। अब एक दूसरा और हम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास n प्लस l का वैल्यू भी समान हो और उसमें n का वैल्यू केवल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
एक हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, आई थिंक 3D को ले लेते हैं और 4P को ले लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3D के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर 3D, ठीक है, और फॉर 4P हम इन चीज़ों पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए n का वैल्यू 3 है, इसके लिए n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू हमारे पास होगा 2, यहाँ पर l का वैल्यू होगा हमारे पास 1, ओके। तो अगर यहाँ पर n प्लस l का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम n प्लस l का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 5। तो अब यहाँ पर देखो, n प्लस l और n प्लस l का वैल्यू 5 5 बराबर आ गया रहा है 2 हमारे पास सबसेल के लिए। तो इसमें हमारे पास जो नया इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो उस सबसेल में प्रवेश करेगा जिसके n का वैल्यू कम होगा। तो n का वैल्यू किस में कम है, 3D में, इसलिए न्यू इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ प्रवेश करेगा, सो न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर इंटर इन 3D नॉट इन 4P, यानी कि 4S के बाद हमारे पास 3D आएगा, उसके बाद 4P आने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस प्रकार हमारे पास हमने हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल को भी कंप्लीट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसी के साथ हमने n प्लस l को भी पढ़ लिया। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरे तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई भी और नया लेक्चर अब प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो कल से लेक्चर आएगा उसमें हम यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे, ओके। तो यूनिट फर्स्ट का यह लास्ट लेक्चर है, अगर आप लोग पूरे प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और हम आप सभी को मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द फिजिक्स के भी लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो उन सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपकी तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑन पर सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है नहीं। और पूरे प्लेलिस्ट को अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर भी कर दीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।